नमस्कार, मैं गोदावरी बड़ाकोटी आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका के साथ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ दो, भाग चूहे भाग। हमने पिछली वीडियो में पाठ को पढ़ा और उससे संबंधित शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। बच्चों, आज मैं कुछ अभ्यास कार्य आपको करवाऊंगी। जिन बच्चों ने पुस्तक खरीद ली है वे इस काम को सिर्फ अपनी पुस्तक में ही करें, और जिन बच्चों ने नहीं खरीदी हैं तो वे ये काम अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी और इसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था? बच्चों, क्या आप जानते हैं बड़ा चूहा क्या कुतरना चाहता था? कागज, पेंसिल या फिर रबड़? इसका सही उत्तर है, बड़ा चूहा पेंसिल कुतरना चाहता था। तो राइट आंसर है पेंसिल। दूसरा प्रश्न है, दूसरा बड़ा गोला किस चीज की तरह लग रहा था? आम की तरह, टमाटर की तरह या फिर सेब की तरह? इसका उत्तर है सेब की तरह। अगला प्रश्न है, नन्हे चूहे ने किसका चित्र बनाया? पहला ऑप्शन है कबूतर का, चूहे का या फिर बिल्ली का? किसका बनाया? बिल्ली का। राइट आंसर है बिल्ली का। तो ये थे बच्चों सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए प्रश्न। अब मैं करवाऊंगी भाषा बोध। भाषा बोध में कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। विलोम शब्द का अर्थ होता है कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे बड़ा, तो बड़ा का विलोम छोटा। ख है हार, हार का विलोम है जीत। और फिर है अंदर, अंदर का बाहर। धीरे, धीरे का तेज। और अगला शब्द है असली, असली का विलोम है नकली। पास का दूर। ये तो थे विलोम शब्द। तो ये विलोम शब्द हमारे पूरे हो गए बच्चों। अगला प्रश्न है कि समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगी, आपको ध्यान से सुनने हैं और ये जज करना है कि कौन सा शब्द इस समूह का नहीं है। जैसे है चूहा, बिल्ली, बकरी, मछली और गाय। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द है जो इस समूह में नहीं आ सकता? हाँ बच्चों, इसमें मछली ऐसा शब्द है जो इस समूह में नहीं आ सकता, क्योंकि चूहा, बिल्ली, बकरी और गाय ये चारों थल में रहने वाले जीव है और मछली जल में रहने वाली जीव है, इसलिए मछली इस समूह में नहीं आएगी। तो मछली पर आप सर्कल लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दूसरे शब्द है करेला, भिंडी, सेब, टमाटर और आलू। तो इसमें से कौन सा शब्द है बच्चों? इसमें से है सेब, क्योंकि करेला, भिंडी, टमाटर और आलू सब्जियां हैं और सेब एक फल है, इसलिए सेब पर हम गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है, नीम, कमल, गुलाब, गेंदा और लिली। इसमें से हम नीम पर गोला लगाएंगे, क्योंकि कमल, गुलाब, गेंदा और लिली फूलों का समूह है, इसलिए यहाँ पर नीम पर गोला लगाएंगे, यह इस समूह का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, वाक्यांश को एक शब्द में मिलाइए। बच्चों,
कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, उनसे संबंधित आपको सही शब्द को उन वाक्यांश से मैच करना है, यानी उन्हें मिलाना है। जैसे जहाँ पढ़ने जाते हैं, बच्चों आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? पाठशाला। पड़ोस में रहने वाला कौन होता है? पड़ोसी। जो बच्चों को पढ़ाते हैं वे कौन होते हैं? शिक्षक। जो शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? शिकारी। जो चित्र बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चित्रकार। इस प्रकार से वाक्यांशों को शब्द से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि अशुद्ध हैं, आपको उनको शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध का मतलब सही नहीं है, आपने उन्हें सही करके लिखना है। पहला वाक्य है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये सही है बच्चों? नहीं, इसका सही वाक्य बनेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है, सब्र का फल मीठी होती है। इसका सही वाक्य बनेगा सब्र का फल मीठा होता है। तुम कितने बड़े कलाकार हैं? इसका सही है, सही वाक्य बनेगा तुम कितने बड़े कलाकार हो। अगला है वाक्य, यह असली बिल्ली लग रहा है। बिल्ली स्त्रीलिंग है, तो बच्चों आपकी जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। तो इसका सही वाक्य बनेगा यह असली बिल्ली लग रही है। ये थे शुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि कुछ वाक्य कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं, यानी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे चूहा, चूहा। अब इसमें वाक्य मैंने बनाया है कि चूहा बिल्ली से डरता है। दूसरा है पेंसिल। इसका मैंने वाक्य बनाया, यह पेंसिल बहुत सुंदर है। आप अपने विवेक से अपनी पसंद के वाक्य बना सकते हैं। जैसे चूहे पर आप अपनी पसंद से वाक्य बना सकते हैं कि चूहा बहुत छोटा होता है। आप लिख सकते हैं कि मेरी पेंसिल बहुत लंबी है, यानी कि आप अपने विवेक से वाक्य खुद बना सकते हैं, स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे अगला शब्द है लकड़ी। हम लिख सकते हैं लकड़हारा लकड़ी लेकर आ रहा है। अगला शब्द है हमारे पास चित्र। मैंने वाक्य बनाया कि यह चित्र बहुत सुंदर है। आप वाक्य इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि छोटा चूहा चित्र बना रहा था, या बिल्ली का चित्र बना रहा था। तो जो भी आपको आगे शब्द दिया हुआ है, आपको उसका वाक्य के अंदर वह शब्द प्रयोग होना चाहिए। बाकी आप वाक्य अपने विवेक के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये था शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। ये मैंने आपको आज करवाया कुछ अभ्यास कार्य, और आज के लिए बस इतना ही।